हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी दाबेली मसाला। वैसे तो ये मसाला मार्केट में इजीली मिलता है, पर हम इसे घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सामग्री: 4 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 4-5 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ा चम्मच तिल, 6-7 काली मिरी, 7-8 लौंग, 3 मसाला बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच शक्कर, 1 बड़ा चम्मच तेल और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम सभी मसालों को भून लेंगे। इसके लिए हम अभी गैस ऑन करेंगे और एक फ्राइंग पैन में साबुत धनिया, सौंफ, काली मिरी, लौंग, इसको हम 1-2 मिनट भून लेंगे। अभी हम इसमें तिल डालेंगे, इसको 1/2 मिनट भून लेंगे। मैंने यहाँ गैस का फ्लेम लो रखा है। मसालों में मॉइस्चर होता है, इसलिए हम इसे भून रहे हैं। इसको लगातार चलाते रहिए ताकि ये जले नहीं। अभी हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और इसे 1/2 मिनट तक भून लेंगे। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। और सेम पैन में अब बाकी जो मसाले हैं इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। अभी हम इसमें सूखी लाल मिर्च, इसको तोड़ के डालेंगे और दालचीनी और मसाला बड़ी इलायची, इसको हम 1 मिनट रोस्ट कर लेंगे। अभी हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, इसे और 1/2 मिनट भून लेंगे। अभी इसको भी हम सेम बाउल में निकाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, और बाद में इसे हम ग्राइंड करेंगे। अभी हम इस भुने हुए मसालों को एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, ये मसाला पीस के तैयार है। अभी हम इसमें आमचूर पाउडर, शक्कर, तेल और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये सभी तेल नमक अच्छे से इवनली मिक्स हो जाए। अब ये दाबेली मसाला बनकर तैयार है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। घर पर बनाया हुआ मसाला हमेशा अच्छा और फ्रेश होता है। आप ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरा रेसिपी वीडियो अच्छा लगे
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।